हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आप लोगों ने यानी 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्विटर कंपेन में हिस्सा लिया, बार बार ट्वीट किए, तो बिहार में ये जो है पूरा चर्चा का विषय बना रहा और तमाम मीडियाकर्मी जो भी थे सभी ने जो है इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, ताकि BSSC की खबर जो है दोस्तों सभी तक पहुंचे और आयोग इस पर क्या कर रही है ये आयोग को भी पता लग सके। ये अभियान हम लोगों का काफी जोर शोर से अभियान रहा था, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं गया फिर भी, लेकिन पूरे बिहार में जो है चर्चा का विषय बना रहा। तो कुछ ना कुछ जो है आयोग भी इस पर जो है पहल करेगी और बहुत जल्द जो है आपको कह सकते हैं कि जो है खुशी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता दूं कि लेकिन फिर भी अगर आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, छात्रों के मानसिकता से अगर आयोग खेल रहे हैं, तो दोस्तों पुनः जो है एक डेट फिक्स किया गया है। उस दिन क्या है डेट, तो उस दिन डेट में जो है आपको बता दूं कि उस डेट में जो है पुनः एक बार सभी छात्र को एकता दिखाना है और जो है BSSC को पुनः जो है ट्वीट करना है, ताकि जो है आयोग जो है इस पर जल्द से जल्द जो है कार्यवाही करे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो है इसमें क्या मैंने बताया है कि जो है अगर मान लेते हैं कि जो है इधर जो है लास्ट 6 दिन बचे हुए हैं, आज तो 11 हो गया, 11 से 17 के बीच में अगर कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी जो है सूचना अगर आयोग नहीं जारी करती है, तो पुनः जो है 17 बता दो दोस्तों कि 17 सितंबर को जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस छात्र मनाने की जो है घोषणा कर चुके हैं। तो उस दिन जो है सभी छात्र को पुनः ट्वीट में हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। जिस प्रकार देख सकते हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कब मनाया जाएगा, 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन देख सकते हैं कि जो है यहाँ लिखा हुआ कि मोदी के जन्म दिवस को देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी इस दिन जो है 17 सितंबर को जो है कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है जन्मदिवस है। लेकिन छात्र बेरोजगार हैं, इतने दिनों में छात्रों को रोजगार नहीं मिला है, तो इस दिन जो है छात्रों ने संगठन बना चुके हैं कि वो जो है राष्ट्रीय रोजगार दिवस मनाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार जो है उठो युवाओं ललकार दो कहो सरकार से रोजगार दो, यही नारा रहेगा। 17 सितंबर को जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों आप सभी तैयार रहें कि जो है उस दिन ट्वीट ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, और 10 सितंबर को जिस प्रकार हुआ था उससे भी अधिक ट्वीट करना है, ताकि जो है आयोग को ये भनक लग सके। आप देख सकते हैं कि जो पिछले वर्ष राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया था, ये 17 सितंबर को मनाया गया था 2020 को, तो उसी प्रकार जो हम लोगों को उस दिन जो है ट्वीट करके जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाना है। तो दोस्तों फाइनली अगर गुड न्यूज कह दूं कि जो है लास्ट के इधर 6 डेज में 6 दिनों के अंदर अगर आपको कोई भी खुशी का दिन नहीं देखने को मिलता है, आयोग जो है मानसिकता के साथ खेल रहा छात्रों के साथ, तो जो है उस दिन ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना होगा, और दूसरा कोई उपाय भी हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है दोस्तों अभी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आयोग ने अपना जो है नोटिफिकेशन में बता दिया कि जो है कोई भी छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो जो है उसकी अभ्यर्थित्व जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, तो आयोग के सामने हम लोग तो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने उसको साफ मना कर दिया। लेकिन एक ही औजार हम लोग के पास है, वो है ट्विटर कंपेन। और दूसरा क्या चाह रहा है दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि आयोग जल्द से जल्द अगर नोटिफिकेशन जारी कर दे, कोई अगर ऐसा उपाय है आपके पास, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।